देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए छोटे छोटे बच्चे, ये आज ही आए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना दिखाना शुरू कर दूं आज से आपको। अब जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे मैं रोज दिखाऊंगी इनके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। Life could be a dream, life could be a dream. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते में आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ और इसके संग फुलके भी बनाऊंगी और थोड़ी सी अपने लिए पूड़ी भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी आज बहुत इच्छा हो रही है फ्रेंड्स, मेरी हो रही है, मेरी खुद की। इसलिए फ्रेंड्स मैं इधर आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, उधर मैं आटा लगा रही हूँ, उसी आटे में से थोड़ा सा पूड़ी के लिए, 5-6 पूड़ी के लिए उसी में से ही मैं पूड़ी लाइक कर लूँगी और थोड़ी सी पूड़ी बना लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बनके इधर तैयार होएगी, अभी इसे ढक देती हूँ, उधर मैं चाय का पानी चढ़ा देती हूँ और थोड़ी सी पूड़ी उतारना शुरू करती हूँ। और इधर तो मेरा पानी चाय का खदकना शुरू हो जाएगा, उधर मेरी दूसरी गैस पे सब्जी तैयार होने वाली है। जैसे ही मेरी एक चीज़ फिनिश हो जाएगी फ्रेंड्स, थोड़ी सी पूड़ी बना लूँगी, फटाफट परांठे बना लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी। फ्रेंड्स देखा, बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता मुझे तो। मेरी चाय भी तैयार है फ्रेंड्स, आइए, हमारा नाश्ता तैयार है, आप सबका वेलकम है हमारे संग। चलिए हम सब मिलके नाश्ता करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम सब ने नाश्ता फिनिश करने के बाद मैंने घर के सारे काम किए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, दोपहर का लंच बनाया। अब मम्मी ने लंच कर लिया है, बेटे ने कर लिया है, बेटी ने भी कर लिया है। आज ये मीठे में कुछ स्पेशल लाए, चमचम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे दोपहर तक का सारा काम हो गया है, 2:30 बज गए हैं और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर अब आपसे बात की जाए। सुबह से हेलो, आई बी न्यू ना आपसे। और फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, तो आप सुनना चाहेंगे, तैयार हैं? पता है फ्रेंड्स, 20 फूलों से गुलगस्ता बन जाता है, लेकिन मेरे साथ आज 100 लोग जुड़ गए हैं, मेरा तो पूरा बाग बन गया फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों का मुझे इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए और मेरे संग हमेशा जुड़ने के लिए। आज फ्रेंड्स मेरे 100 सदस्य पूरे हो चुके हैं और मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब मैं यूँ कहती हूँ कि फूलों से गमला, 20 फूलों से गमला तैयार होता है, लेकिन मेरा पूरा बाग तैयार हो चुका है। और इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ, तरह तरह के लोगों के साथ, खूबसूरत लोगों के साथ, तो उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों का इस तरीके से मेरे संग रहने का, मेरे साथ निभाने का। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने इसी खुशी में केक बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब खुशी होती है तो मीठा तो बनता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने केक बनाया है और ये पहला बाइक आपके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला बाइक आपके लिए है, उसके बाद मेरे लिए। तो मैं आपको खा के बताऊं कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आपकी तरफ से भी बोल रही हूँ और अपनी तरफ से भी बोल रही हूँ। वाकई में थैंक यू आप सभी का मुझे इस तरीके से प्यार करने के लिए, मेरा इस तरीके से साथ देने के लिए फ्रेंड्स। और मैं ये चाहूंगी ये साथ हमारा आगे तक बना रहे और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें, 100 से जुड़ते जाएं। और मेरा एक मतलब मुझे ये लगेगा मेरा खुद का एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, केक खाती हूँ, इसका एंजॉय लेती हूँ, आप लोगों के संग ले लिया मैंने, अब अपने बाकी के सदस्यों के साथ लेती हूँ और आपसे शाम तक बीच बीच में बात करती रहूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी तैयार है ना मेरे से बात करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आज शाम को सिर्फ मूंग की दाल का दलिया बनाया और उसको खा के मैं छत पे चली गई थी अपनी। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर छत पे आई हूँ। आज मैंने खाने में फ्रेंड्स शाम को खिचड़ी मतलब दलिया बनाई है, धुली हुई दाल घेर के, तो उसे खा के आई हूँ। पेट बहुत हैवी सा हो रहा है और आज मन भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। तो बैठी हुई हूँ अभी एक साइड, कहने को सब हैं ऐसी बात नहीं है,
बच्चे भी हैं सामने छत पे। बस कभी कभी हो जाता है ना कि ऐसे कि मन सा नहीं लगता है, क्या करें, ना घर मन लगता है और ना ही बाहर जाने की इच्छा होती है, हो जाता है कभी कभी ऐसे। चलिए फिलहाल तो छत पे ऐसी बैठी हुई हूँ, मौसम भी अच्छा ही है, सही है। अब तो वैसे भी रात दिन अच्छा ही रहता है मौसम। आपको मैं दिखा देती हूँ, सामने बच्चे खेल रहे हैं, सूरज ढलने को हो रहा है। दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स सामने फ्रेंड्स सूरज का क्या वो हो रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सामने बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो पटंगी के ऊपर की साइड को चढ़ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं ये लोग। बस इनका तो यही टाइम हमें भी याद रह जाता है कि क्या मस्ती करते थे हम अपने टाइम पे, नहीं। लेकिन अब वही वाली बात है, अब वो जो दिन चले गए वो लौट के नहीं आ सकते ना फ्रेंड्स, है ना। पता है फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे ना तब एक सीरियल आया करता था किरण खेर का, शायद आप लोगों को भी याद हो। अब बहुत अच्छा सीरियल था, तो उसमें वो एक गज़ल गाया करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो गज़ल। उसके कुछ शब्द मुझे आज भी याद हैं, कभी कभी जैसे गुनगुना लेती हूँ, वो मैं आपको आज सुनाती हूँ। हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ है जमाने के लिए, हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ है जमाने के लिए, हर तबस्सुम है यहाँ, हर तबस्सुम है यहाँ, गम को छुपाने के लिए, हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ है जमाने के लिए। याद है ना आपको कितना चलता था ये वाला, मुझे ये गज़ल बहुत अच्छी लगती थी और मैं हमेशा इस गज़ल को गुनगुनाया करती थी। आज बैठे बैठे मुझे अचानक से कुछ याद आ गई ये गज़ल दोबारा से, तो मैंने सोचा गुनगुनाती तो मैं रोज हूँ अकेले में, आज आपके सामने गुनगुना लेती हूँ और आपको भी सुना देती हूँ। अच्छी लगी? ले इसे गोदी ले ले, ले। छी गंदा वाला है, अच्छो अच्छो गंजा वाला भैया, गंजा वाला है। अच्छा ट्रेन दिखा दे, आ जाओ ट्रेन दिखा दूं आपको। ट्रेन आज इसके अंकल नहीं आए क्या? अच्छा तभी आएगा ये। फ्रेंड्स मैं सोच रही थी आपको बहुत दिन हो गए मैंने कोई ब्यूटी टिप्स नहीं दिया है ना, तो मैं आज आपको इस टीम के बारे में बताती हूँ। सॉरी, हम पार्लर वगैरह में जाते हैं तो वो खाली सिंपल पानी से हमें स्टीम देते हैं। आपने कई जगह देखे होंगे दाने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, किसी के भी मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक दाने ऐसे हो जाते हैं कि वो दाने ख़त्म होने में नहीं आते। आज मैं आपको ना उसका मतलब बताती हूँ, बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ, अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी देगा, लेकिन आपको स्टीम करने का उसी में प्लस कर दूँगी। स्टीम करने का एक ऐसा तरीका बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है उसका। अच्छा हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इस दाने उन्हीं के होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है। ड्राई स्किन, नॉर्मली स्किन इसमें नहीं होते, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके दाने बहुत होते हैं, और उसके लिए उनको क्या करना होता है कि ऑयल बहुत कम लेना होता है जिससे उनके दाने ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टीम कैसे लेते हैं हम। जैसे किसी, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक भिगोने में पानी गरम कर लीजिए, फ्राई पैन हो, भिगोना, कोई बाउल टाइप का, और चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब स्टीम अच्छी तरीके से निकले उसमें से। और आप जब उसको फेस को उसके ऊपर लो तो एक तौलिया उसके ऊपर से हल्का सा कवर सा हो जाए, तो उसे गरम कर लीजिए, ठीक है। गरम कर लीजिए उस पानी को, और उसमें आप एक काम कीजिए, अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आप नीम की पत्तियाँ सुखा के रख लीजिए, ठीक है। नीम तो कहीं भी मिल जाता है, और नहीं भी मिले तो पिसा पिसाया ये जनरल स्टोर पे भी मिल जाता है, फॉर्चून वगैरह क्या बोलते हैं इन दुकानों पे मिल जाता है, जिन पे ये दाल वगैरह मिलती हैं, आयुर्वेदिक किसी भी दुकान पे मिल जाता है। और अगर कोशिश करें कि आप बिल्कुल मतलब नीम की पत्तियां ला के उसे सुखा लें, और आपको उसको सुखाने के लिए धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ आपको एक अखबार अच्छी तरह घर में ला के उसे अच्छी तरह धो के और किसी भी अखबार पर आप फैला देना उसको,
वो दो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में तो मतलब मैं कहती हूँ जान बहुत बढ़िया पाउडर बन जाएगा वो एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसकी पत्तियाँ निकाल के उसे ऐसे रख सकते हो तो ऐसे रख लो, अगर आपको कभी पैक के लिए यूज़ करना हो तो पाउडर बना के रख सकते हो। फिलहाल मैं बताती हूँ आपके स्टीम के बारे में बात चल रही है, तो आप उसमें क्या करना, जब आपका पानी उबलने लगे तो उसमें चौथाई चम्मच डालिए आप जीरा, पिसा हुआ नहीं, साबुत जीरा, हाँ आपने सही सुना, खाने वाला जीरा, और उसमें डालिए नीम की पत्ती, ठीक है, और आप उसकी स्टीम लीजिए। आप फ्रेंड्स मेरे कहने से अगर आपको जो अगर आप इसकी स्टीम लेंगे ना, आप अपने चेहरे की पे उस पे देखना आप उसके बाद क्या फ़र्क आएगा स्टीम लेने के बाद, दानों में जो आपके मोटे मोटे दाने हैं, जो पक गए हैं, जो आपको इतना इलाज करा रहे हो जिसके बावजूद नहीं सही हो रहे, वो सही होने लगते हैं। एक और बात फ्रेंड, जिसके मुंह पे दाने बहुत ज़्यादा हों वो ना तो किसी तरीके का साबुन यूज़ करें, खास तौर से फेस पे बिल्कुल नहीं, ना ही फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि आप जितना इसको लगाओगे इतना बढ़ेंगे। और जो मैं आपको ये बता रही हूँ स्टीम लें, स्टीम लेने के बाद कोई भी नीम से जुड़ा हुआ कोई भी आप पैक घर में बना के, नीम की पत्ती का पैक बना के उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगा के, चंदन मिला के, चंदन का पैक इसलिए अच्छा रहता है कि चंदन ठंडा होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कीजिए। स्टीम के बारे में बताया मैंने आपको कि स्टीम में आपको क्या क्या डालना ज़रूरी है, इसमें नीम की पत्ती और जीरा ये ज़रूर ऐड कीजिए और आप इसका स्टीम लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स मेरे कहने से। मैंने जिसको बताया भाई उसके तो दाने सही हो गए, और मैं फिर आपसे बता रही हूँ कि अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। और एक और बात फ्रेंड्स, जितनी आपकी स्किन को इस स्टीम की ज़रूरत है उतनी ही लेना, ज़बरदस्ती मत लेना, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, जितनी देर आपको सुहा सकती है, ज़्यादा नहीं, कोशिश यही करना, ठीक है फ्रेंड। तो मैं सोच रही थी आज इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ, कल फिर आपसे दोबारा मिलूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कल मिलती हूँ आपसे, तो ज्योति जैन को जाने की इजाज़त दीजिए और आप सबको आज की मेरी गुड नाइट, बाय बाय।